नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्त। साथियों, राजनीति में कौन कब दोस्त हो जाए, कौन कब दुश्मन हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज में इस समय एक ऐसा उबाल है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर। लगातार सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है, लगातार बहुजन समाज के सोशल मीडिया चैनल से एक बात का दावा कर रहे हैं। वो बात कहीं ना कहीं आप लोगों से मैं चाहता था कि कहीं छुपे। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में एक बार फिर से आ चुके हैं। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आंतरिक रूप से इंटरनली तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य के साथ में बहुजन समाज पार्टी के लगातार संपर्क में है, और संपर्क में इसलिए है क्योंकि वो उपचुनाव लड़ाना चाहते हैं अपनी बेटी। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से बदायूं की जीती हुई सीट को जिस तरह से संगमित्र मौर्य से छीना गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक मौर्य समाज के लिए, संगमित्र मौर्य के लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत ही दुखद रहा। क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्र मौर्य का बदायूं से टिकट काट करके जो अन्याय किया, इस बात पर लगातार मौर्य समाज ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खास ना हो सका क्योंकि दूसरे मौर्य समाज के ही व्यक्ति को टिकट दिया गया था। लेकिन वही सवाल खड़ा हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज के बड़े लीडर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में 18-20 साल काम भी किया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, समाजवादी पार्टी के एक बड़े तबके पद पे रहे, लेकिन उसके बाद भी वो सब भूल गए, लेकिन नहीं भूल पाए कांशीराम जी की विचारधारा, नहीं भूल पाए अम्बेडकरवाद की विचारधारा, नहीं भूल पाए मायावती जी के विचारों। तो साथियों, कहीं ना कहीं अब जो स्थिति बनी हुई है वो ये स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का एक धड़ जो है, एक तबका, वो ये चाहता है कि राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया जाए, लेकिन दूसरा तबका ये चाहता है कि किसी भी तरह से विलय ना किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी इससे पहले भी संघर्ष करती रही है। आप सारे लोगों को पता होगा कि पार्टी पहले से बनी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जाकर के बाद में बनाए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले साहब सिंह धनगर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जो एक धड़ है वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से पार्टी में विलय ना हो, गठबंधन हो, सीटें मिलें, सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो भी परिणाम आएगा वो सभी के सामने होगा। हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के पास आज इतना वोट बैंक नहीं। भले ही कितने भी लंबे समय से काम किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के पास में प्रदेश के अंदर वोट बैंक कहीं ना कहीं उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। कहीं ना कहीं साथियों, अब ऐसा देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी कितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन मौजूदा हालत ये है कि कहीं से भी कोई भी सीट आज निकालने में कामयाब नहीं। यदि ऐसा ही आलम रहा तो क्या होगा पार्टी का और क्या होगा पार्टी के नेताओं का? साथियों, अब केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में आने के बाद में वो पूरे बहुजन तबके को पार्टी में लेकर के चले जाएं, पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें और पार्टी को और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। गठबंधन की राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपना हिसाब बदल दिया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से हाल ही में इनेलो से गठबंधन किया, वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग हर राज्य में मायावती जी भी गठबंधन करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन तबके की जितनी भी पार्टियां, जितने भी छोटे दल हैं, जो एनडीए और इंडिया महागठबंधन से बचे रहे, उन दलों से गठबंधन करने का प्रयास लगातार बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से आकाश आनंद जी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी विचारधारा इस बात को लेकर के बदली है कि अब कहीं ना कहीं सीधे खड़े होकर के काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा, और लगातार एक बार फिर से ये प्लान बनाया है कि जितने भी छोटे दल हैं, जो दल एनडीए और इंडिया दोनों ही महागठबंधन से बचे रहे, उन दलों को अपने साथ शामिल कर करके लगातार देश में एक तीसरे मोर्चे की बात भी चल रही थी, कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आने वाले 27 के चुनाव में क्या हाल है। लगातार लोग ताना दे रहे हैं कि 22 के चुनाव में एक सीट, 24 के चुनाव में 0 सीट। ये आलम बहुजन समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में हो चुका है, और यही आलम रहा तो आखिर कब बदलेगी पार्टी?
कब बदलेगी? कहीं ना कहीं आज ये कहा जा रहा है कि कांसीराम जी की जो विचारधारा थी, उन्होंने पिछड़े तबके के साथ में दबे कुचले शोषित और वंचितों के लिए एक जो रास्ता बनाया था, वो रास्ता आज किसी काम का नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि पिछड़े दलित और जो अति पिछड़े समाज हैं, इन लोगों को रहने खाने सोने पीने का हक जो मिला है वो संविधान से मिला। ये संविधान की बदौलत है कि आज आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, आज आप लोग वोट डाल सकते हैं, आज आप लोग अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। तब कहीं ना कहीं साथियों, जो विचारधारा कांसीराम जी की थी, जो संघर्ष अंबेडकर साहब का था, कहीं ना कहीं उन चीजों को पार्टी फॉलो आज की डेट में उस हिसाब से नहीं कर पा रही। यही कारण है कि पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती चली जा रही। साथियों, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसमें पार्टी में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश में प्रगति मिलेगी। आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।